हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम यूपीएससी, दैट इज सीएपीएफ 2022 एग्जाम्स। ठीक है, सीएपीएफ 2022 एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आज ही रिलीज हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज जॉब वेट कर रहे हो, दैट इज रिगार्डिंग वैकेंसीज। तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं वैकेंसीज कितना है, तो वैकेंसीज कितना है, तो आज उसका आंसर मिल गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 253। ठीक है, 253 वैकेंसीज फॉर सीएपीएफ 2022 एग्जाम। वेरी गुड वैकेंसीज है अगर रीसेंट टाइम्स में कंसिडर किया जाए तो। एंड अगर हम देखते हैं फोर्स वाइज, तो बीएसएफ में टोटल 66 वैकेंसीज, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी सीन इन सीआईएसएफ। एंड आईटीबीपी 14, एंड SSB देखा जाए तो वेरी गुड वैकेंसीज, दैट इज 82 वैकेंसीज कैन बी सीन इन SSB। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े चीज हम यहाँ पे बेसिकली थोड़े पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ये पर्टिकुलर पीडीएफ एंड ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे AVKS का टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ टू अप्लाई इज, आपको ऑनलाइन पे अप्लाई करना है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट डेट क्या है वो आपको जानना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज लास्ट डेट, दैट इज 10th May 2022। मतलब अभी से देखा जाएगा 20 डेज ऑफ टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट ये पूरा नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में है, बाद में हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशंस में। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहले देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पॉलिसी। ठीक है, अगर आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो उतना ही ज्यादा चांस रहेगा आपको अपना स्लॉट अलॉट होने में। एंड नेक्स्ट थिंग इज एज। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट मतलब ओसी ओपन कैटेगरी देखा जाए तो 25 तक का एज लिमिट है, 25 इयर्स तक। एंड ओबीसी का 25+3 दैट इज 28 इयर्स। एंड नेक्स्ट एससी एसटी का 25+5 इयर्स दैट इज 30। मतलब आप अगर एस सी एस टी कैंडिडेट हो 30 इयर्स तक एग्जाम आप दे सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस देने का जरूरत नहीं है, अभी 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रहेगा, कोई आपको फीस अलग से यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, डिटेली हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड बोथ मेन, बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, आप ये सुने रहो। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी से हो देन उस केस में रिजेक्शन, रिजेक्शन इन द सेंस फिजिकल में आपको वहां पे अलाउ नहीं करेंगे, तो वो बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, इफ नॉट मैरिड एंड अनमैरिड मतलब दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड अनाउंसमेंट, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर से और एक वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।